अच्छी लगी, बहुत चिल्ला था। शाहरुख खान सुपर्ब है, उसका एक्शन बहुत अच्छा है। शाहरुख खान रोमांस में भी अच्छा रहता है और एक्शन में भी अच्छा है। अभी पठान भी पहले आई थी, वो भी अच्छी थी। हाँ, फादर बाप का रोल अच्छा है, बाप और बेटे का दोनों का रोल है। साउथ का जो है सब एक्ट्रेस भी अच्छे है, और उसमें वो विलन भी जो है साउथ का, उसका काम भी अच्छा है। कहानी अच्छी लगी है ऐसा, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ वो रोबिन हुड बनता है शाहरुख खान। फोर फाइनली जवान तो जवानी है, और पिक्चर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जा रहा है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा पब्लिक को, अगर हमें फिर से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आप सभी को जवान देखने आना है भाई। हॉल में आओ, थिएटर में। किरदार मतलब एक किरदार हो तो मैं बताऊं, इतने सारे किरदार उन्होंने, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जब से मैंने बचपन से उनको फॉलो किया ना, तो बचपन से के अब तक वो जो जवान जो नाम दिया गया ना, मैं जवान हो चुका हूँ, एग्जैक्टली वही नाम वही चीज़ें हैं, और बहुत अच्छी पिक्चर जा रही है। बेस्ट पार्ट इसमें एक नहीं है, इसमें एक तो सोशल कॉज के लिए मैसेज दिया गया है पब्लिक को कि आप 5 साल के लिए जब हम किसी को चुनते हैं सरकार को, तो हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज़ रहा। दूसरा जो डायलॉग जो है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, एक ये डायलॉग, और गाना रामोवे अवस्था भैया जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट गया है। नैन तारा दीपिका का भी एकदम जबरदस्त रोल गया है, और इसमें एक संजय दत्त की भी एंट्री थी, वो जबरदस्त, मतलब मैं तो खुद हिल गया जो होता इतने टाइम के बाद डायरेक्टली एक ही बार आया मुन्ना भाई, MBBS का जो एक थॉट प्रोसेस था एकदम मस्त। मतलब जो मैं सोच के आया था उससे भी ज़्यादा गया है। SRK यूनिवर्स 5 में से 5 देना चाहूँगा, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा पब्लिक को एक बार फिर से कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बॉक्स ऑफिस का नया कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाना है, तो जवान देखने आना है। थैंक यू। ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान के लिए आए थे हम लोग, और शाहरुख खान से पैसा वसूल क्या, पैसा आप डबल दोगे तो भी वसूल है वो। देख सकते आवाज आ रही है वहां से कितना। शाहरुख खान इज ऑलवेज, पूरी फिल्म शाहरुख खान के ऊपर ही बेस्ट है। डायलॉग्स तो ग्रेट, वो बाप को बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो सबको वापस सबके साथ आएंगे, अभी नए नए दोस्तों को लेके आएंगे साथ में देखने के लिए। सॉन्ग भी मस्त था उसमें, रोमांटिक सॉन्ग भी है, फिर पार्टी सॉन्ग भी है, सब सॉन्ग है उसमें, सब मिक्स है। नैन तारा दीपिका पादुकोण बस आपके ऐसी वेरी स्वीट थी, वो अच्छा लगा। 100 out of 100 स्टार, बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत ऑसम। ये पठान मूवी और जवान मूवी में आपको कैसा लग रहा है, दोनों अगर कंपेयर करें तो? कंपेयर तो करने की बात ही नहीं, क्योंकि शाहरुख खान है, दोनों शाहरुख खान की मूवी है। इसमें शाहरुख खान का डबल रोल है, तो उसमें किस तरीके से इन्होंने, पहले तो मतलब वुमेन पावर को लेकर चला है, तो बाद में मालूम पड़ गया उसका अब्बा भी है तो वो आते हैं। स्टोरी कैसा है? स्टोरी एकदम ऑसम, वुमेन पावर के ऊपर बताया स्टोरी, बताया कि वुमेन है, पावर है, उनके ऊपर स्टोरी बताया। विजय सर की तो ऑसम एक्टिंग, साउथ के पहले अभी तो गॉड मानो उनको, ऑसम एक्टिंग। 5 out of 5 और जितने तो और भी ऐड कर दो। और वापस आने वाले? जरूर जरूर आते हुए, अभी नेक्स्ट शो देखते दोस्तों के साथ आ जाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, एकदम मस्त, पैसा वसूल है, सब देखने वाला। मैं तो बोलता हूँ पूरे, अभी तो और भी है। क्या इसमें एक्शन सीन्स है, साउथ की मूवीज का पूरा मिक्स किया गया है, कैसा लग रहा है इसमें? मस्त है, मतलब जैसा वो बॉलीवुड और साउथ का मिक्सचर किया है, मतलब वो मस्त लगा मेरे को। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे सारे। और इसमें डबल शाहरुख खान सर का कैसा लग रहा है? वो भी अच्छा, मतलब वो तो मैं पहले से मालूम था, ट्रेलर के टाइम से मालूम था कि डबल रोल होने वाला है। क्लाइमेक्स कैसा लगा? क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा था। वापस आएंगे देखने? सेकंड टाइम आऊंगा वापस। आज ही आएंगे? नहीं आज तो,
डायलॉग कौन सा अच्छा लगा आपको? वो वाला ही अपना बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो वाला। आउट ऑफ 5 कितना देंगे मूवी? 5 out of 5। पिक्चर इतनी अच्छी है कि इसकी तारीफ करो तो कम है। इंटरवल के पहले का, इंटरवल के बाद का, इंटरवल के पहले का तो पूछो ही मत कितना अच्छा है। अगर आप वहाँ पे रहते ना तो आपका कैमरा वैमरा सब तोड़ देते थे। इतनी अच्छी मूवी है इंटरवल के पहले की, इंटरवल के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है। सबका रोल अच्छा है, नयनतारा का रोल अच्छा है, शाहरुख खान के साथ जो केमिस्ट्री उनका अच्छा है, दीपिका और शाहरुख खान का जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छा है। एटली का बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है। स्टोरी जो देश के लिए दिया है, करप्शन जो चल रहा है देश में उसके लिए भी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। स्टोरी भी कनेक्ट कर गई है पब्लिक से और शाहरुख खान की एक्टिंग भी। और इसमें देखा गया है शाहरुख खान का डबल रोल है और उनका जो किरदार है जिस तरीके से हम लोग को दिखाया गया इस बार काफ़ी बाकी सब मूवी से काफ़ी अलग है। कैसा लग रहा है मतलब शाहरुख खान का जो यंग लुक है वो तो ज़बरदस्त है, एक्सलेंट है। लेकिन जो उसका बाप का रोल है ना वो ऐसा रोल है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं सकते वो कैसा रोल है। इतना अच्छा रोल है, इतने ज़बरदस्त उसके चलने का स्टाइल, उसके मारने का स्टाइल इतना बढ़िया है ना कि आप सोच नहीं सकते। पूरा पैसा वसूल है। डायलॉग अरे ज़बरदस्त डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करना, इतना ज़बरदस्त डायलॉग है वो। और जिस टाइम पर वो डायलॉग आएगा ना कि आप खड़े होकर ताली बजाएंगे। सिंगल थिएटर के लिए पिक्चर एकदम फाड़ देगी और मल्टीप्लेक्स को तो उखाड़ देगी। आउट ऑफ 5 5 ले लो, 4.5 ले लो, 5 ले लो, उससे ज़्यादा ले लो, जितना ले सकते ले लो। शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए तो अनलिमिटेड ले लो। उसके बाप ने जो एक्टिंग किया है, जो शाहरुख खान है यंग और जो ओल्ड, दोनों बहुत एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। द मूवी आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पेल बाउंड, आई एम स्पीचलेस। बहुत अच्छी लगी। आई थिंक हमने जवान में शाहरुख खान को एक एक्शन जॉनर ट्राई करते हुए देखा। पहले वो रोमांटिक मूवीज़ करते थे और अभी एक और सिक्सम आदि ने दिस मूवी इज़ नेक्स्ट लेवल। पठान का भी नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही फुल ऑन एक्शन वॉयलेंस और इतने अच्छे से सीन्स फिल्माए गए हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। और उनके साथ नयनतारा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आइसिंग ऑन द केक, बहुत अच्छा रोल है नयनतारा का भी। विजय सेतुपति बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सीजनड एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। एक्शन तो हाँ, एक्शन बहुत अच्छा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि BGM बहुत पावरफुल है और GK विष्णु की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, जिस तरह से वो एक्शन सीन्स को शूट किया गया है, मतलब इट विल लीव यू लाइक इन ऑ कि क्या है मतलब। और शाहरुख खान के इतने डिफरेंट लुक्स, ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड अमेजिंग, कभी बॉल्ड लुक, कभी ओल्ड लुक, कभी एक जवान का लुक, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग सब, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, हमें कान बंद करने पड़े लिटरली। इतना क्रेज़ है शाहरुख खान का आज भी, शाहरुख हो या सलमान हो, एंड पीपल लव देम, द काइंड ऑफ स्टारडम एंड सुपर स्टारडम दे हैव एक्वायर्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी व्हाट एवर दे हैव एकम्प्लिश्ड। और ये मूवी में चार चांद लगे क्योंकि एटली का डायरेक्शन है, एटली का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा डायरेक्शन है एटली का कि मतलब सीटियाँ तो बजेंगी डेफिनेटली, एंड इट्स अ मास एंटरटेनर। इसमें नयनतारा के साथ शाहरुख खान से अगर जोड़ी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, इमेजिन भी नहीं किया था कि बड़े पर्दे पे दोनों इतने अच्छे लगेंगे, जैसे एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 हाउ मच? आई स्टिल गो विद 4.5 स्टार्स, और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट 4.5 डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट। डेफिनेटली एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, इन्जॉय कीजिए।